स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं क्या रहेगा आज मौसम का हाल। गुजरात के इन जिलों में होगी भारी बारिश। गुजरात के कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। देवभूमि, द्वारका, राजकोट, भावनगर और वलसाड जिले में अगले 24 घंटे में अत्यंत मूसलाधार बारिश हो सकती है। जूनागढ़ में कल बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब पूरा ध्यान जीवन को पटरियों पर वापस लाने पर है। अधिकारियों ने बताया है कि जिले के करीब 3,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। भारत मौसम विभाग ने कल गुजरात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि 24 जुलाई को राज्य में भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य हिस्सों में बादल छाए रहने का अनुमान है। नागपुर मंडल में कल अब तक बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल कहा कि राज्य सरकार भारी बारिश से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूपी में ऐसा रहेगा मौसम। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश होने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। प्रदेश में मानसून कल से एक बार फिर जोर पकड़ने का अनुमान है। 25-26 जुलाई को प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 13 जिलों में सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा, यमुना तथा शारदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों के मुकाबले कल कम बारिश देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों राज्यों में भूस्खलन की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में कल 700 सड़कें बारिश से अवरुद्ध हो गई हैं। दिल्ली में एक बार फिर बढ़ाई यमुना का जलस्तर। दिल्ली में यमुना का उफान फिर से डराने लगा है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा के हथनी बैराज कुंड से छोड़े जाने वाला पानी यमुना को डरा रहा है। बताया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा क्षमता के साथ पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कल देर रात यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर 206.44 मीटर पर चला गया। इसके बाद प्रशासन की सुरक्षा के लिए 60 टीमों को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में 25 जुलाई से तेज बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कल गुजरात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें मौसम की ताज़ा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।